ईश्वरीय ज्ञान और सही मार्गदर्शन के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। संसार में व्याप्त धर्मों की श्रृंखला में हिंदू सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो आत्मा ने परमात्मा की अनुभूति समस्त चर अचर जगत का ज्ञान एवं सर्वशक्तिमान की प्रत्येक रचना का बोध करा सकता है। हमारी धार्मिक तथा दार्शनिक व्यवस्थाओं और क्रियाओं द्वारा किसने क्या पाया है ये तो एक गहन तथा लेखन शक्ति के बाहर का विषय है, किंतु एक बिंदु को लेकर यदि हम कुछ कहने अथवा लिखने का प्रयास करें तो हमारी दृष्टि भारत के उन महान मनीषियों एवं दार्शनिकों पर आकर टिकती है जिनकी पुण्य लीलाओं से समस्त भारत का कण कण आज भी गौरवान्वित है। इन्हीं संतों और महर्षियों की महान परंपराओं में आज से 200 वर्ष पूर्व अवतरित ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री नवल साहिब के प्रति आज हम पूर्ण कृतज्ञता और आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने तत्कालीन समाज को जजूर कर महर्षि वाल्मीकि की तरह कीर्तिमान स्थापित किया, जो उस समय सामाजिक ऊंच नीच के कारण कतई संभव नहीं था। आपने प्रत्यक्ष गुरु उपासना की तथा रूढ़ियों एवं मिथ्या आडंबरों को समाप्त करने के अथक प्रयत्न किए। महर्षि नवल स्वामी ने अपने भजन वाणियों एवं उपदेशों के माध्यम से हमारे अतीत के भूले बिसरे उस इतिहास को पुनः दोहराया जिसके लुप्त हो जाने के कारण यह भारत मां कुलिष्ट हो रही थी। अपनी वेदना पूर्ण अश्रुधारा को अपने आंचल में ही सोख रही थी। जहां तक हमारी मान्यता है, समय के अनुसार अछूत माने जाने वाली वाल्मीकि जाति में जन्म लेकर महापुरुषों तक को अपनी स्वाभाविक और सहज की क्रिया के आगे नतमस्तक कर सकने वाली ये महान आत्मा सर्वशक्तिमान की कोई परिणति थी, जिसने अपनी अनेकों कलाओं के साथ विक्रम संवत 1840 की भाद्रपद कृष्णाष्टमी की मांगलिक वेला में मातुश्री श्रृंगारी बाई की कोख से जन्म लिया। आपके पिता श्री का नाम कुशाल राम जी था, जो तत्कालीन जोधपुर रियासत की मीरथा तहसील के ग्राम हरसोलाव के निवासी थे। आपके जन्म का नाम नवलराम रखा गया और यही नवलराम कालांतर में एक परम सिद्ध पुरुष होने के साथ साथ हमारी आशा और विश्वास के प्रतीक महर्षि नवल साहिब के नाम से विख्यात हुए और नवल पंथ के आधार स्तंभ बने। अपने पूर्व जन्म के फल स्वरूप ही श्रृंगारी बाई महर्षि नवल स्वामी जैसी महान आत्मा को जन्म देकर धन्य और कृतार्थ तो अवश्य हुई, किंतु इस अनूठे बालक की लीलाएं देखना उनके भाग्य में नहीं था और नवल स्वामी के जन्म के एक माह बाद ही सौभाग्यवती श्रृंगारी बाई स्वर्ग सिधार गई। परिणाम स्वरूप शिशु नवल मात्र स्नेह और पोषण से वंचित हो गए। माता के स्वर्गवासी हो जाने के बाद शिशु नवल को पिता का भरपूर प्यार मिला
और आप नवला कहलाने लगे। यही नवला हमारी जागृति का स्रोत, गरीब व दलितों की मसीहा, परम दयालु नवल साहिब हुए। महर्षि नवल स्वामी के पिता भी एक धर्म पारायण और गुणग्राही व्यक्ति थे, जिन्होंने बाल्यकाल से ही प्रभु प्रदत्त भक्ति की ओर अग्रसर बालक नवल को किसी भी तरह कोसा व सताया नहीं। ध्यान व उपासना स्वामी जी के प्रत्येक कार्य से दिखाई दे रही थी। नवल स्वामी के पिता ने सारी स्थिति को देख समझकर बालक नवल को हरसोलाव निवासी रामानंद संप्रदाय के मेघवंशी गुरु श्री करतारा राम जी से दीक्षा दिलवाई। गुरु करतारा राम जी स्वामी जी की तेज बुद्धि और गहन तर्क शक्ति को देखकर अचंभित हो गए। तत्वज्ञानी जिज्ञासु को ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु करतारा राम जी ने शिष्य नवल राम के कांतिपूर्ण ओज से दमकते मुखमंडल एवं सरल स्वभाव की अनुभूति करते हुए स्वामी जी के उज्जवल भविष्य की कामना की और मन ही मन आशीर्वाद दिया।